अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, स्पेशली गर्मियों के हवाले से। गर्मियों में जो होता है स्किन टोनर हमारी स्किन के लिए बहुत ही अहम होता है। आज मैं आपके साथ स्किन वाइटनिंग टोनर शेयर करने वाली हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपनी स्किन को बहुत इनको फ्रेश करने के लिए, ग्लोइंग देने के लिए और बहुत ज़्यादा स्किन को वाइट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्किन टोनर स्प्रे, जिसको अगर आप घर पे बना के रख लेती हैं तो आपकी गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा फ्रेश गुजरेंगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नेचुरल ग्लो करेगी और बहुत ही ज़्यादा नीट नज़र आएगी। अगर इसको बाज़ार से आप परचेज करती हैं तो ये बहुत ही आपको महंगा भी मिलता है और नेचुरल भी नहीं होता। आप चंद ही घर की चीज़ों से इसको तैयार करके रख सकती हैं और अपनी स्किन को हमेशा के लिए ग्लोइंग और फ्रेश कर सकती हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने कर लिया उनका दिल से शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस टोनर को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है तरबूज। तरबूज में कुछ ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को निखारने की सलाहियत रखते हैं और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नेचुरल ग्लो देते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्किन वाइट करते हैं। और जो तरबूज का छिलका होता है उसमें कमाल के ऐसे प्रोटीन है जो हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो भी देते हैं और हमेशा के लिए वाइट करने की सलाहियत रखते हैं। तरबूज बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, जस्ट इसका छिलका इस तरह का चाहिए। इस तरह से आपने तरबूज को ऊपर से इसका जो तरबूज है उसको अलहदा करके इस तरह से छोटे छोटे जो हमारे पीसेज हैं मैंने पहले से तैयार करके रखे हैं, इस तरह से आपने इसके छोटे छोटे पीसेज करके इसको किसी भी ग्राइंडर की मदद से आपने ग्राइंड करके बिल्कुल अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरह से ग्राइंडर से बिल्कुल बारीक होना चाहिए पेस्ट। अब हम क्या करेंगे कि एक बाउल लेंगे, रखेंगे और तरबूज के छिलके को इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरह से आप हाफ कप हम तरबूज के छिलके का जो वाटर है वो बिल्कुल अलहदा निकाल लेंगे। उसके बाद हमें जो चीज चाहिए वो है जाफरान। जाफरान आपको किसी भी पंसार के स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ये आपने एक चुटकी इसके अंदर ज़ाफरान ऐड कर देना है। ज़ाफरान जो होता है हमारी स्किन को ग्लोइंग इफ़ेक्ट देने के लिए कमाल की चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आपने एक ज़ाफरान एक चुटकी ऐड किया और अब आपने क्या करना है, लेमन, लेमन लेके हाफ लेमन हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब आपको क्या चाहिए, रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये हम ऐड करेंगे एक चम्मच। रोज़ वाटर जो होता है हमारी स्किन को फ्रेश और ग्लो करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम कर लेंगे इसको बहुत अच्छे से मिक्स। जैसे जैसे आप मिक्स करें जो ज़ाफरान है खुद ब खुद इसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका जो शेड है वो चेंज होना शुरू हो गया है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब आप इसको, आपको बॉटल चाहिए उसमें हम इसको ऐड करेंगे कि हमारा जो स्प्रे है स्किन टोनर किसी भी कंटेनर फ्रिज के अंदर रख के आप 10 दिन तक महफूज करके रख सकती हैं और ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। आपने डेली 2 दफ़ा अपने फेस पे इसको अच्छे से स्प्रे करना है, अब्जॉर्ब कर लेना है। किसी भी आपको क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, किसी लोशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये ही आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश और ग्लो देगा कि आपके इतना अच्छा ग्लो और आपकी जो स्किन गर्मियों में बिल्कुल ब्लैक हो जाती है उसके लिए ये कमाल का है। अगर इसके साथ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चलें अल्लाह।